प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट्स दिए हुए हैं और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। इसमें हमें एक समस्या दी हुई है और हमें उसको सबसे पहले जो समस्या है उसको बीजीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर उसको हल करना है। समस्या है हमारे पास, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है, भिन्न एक, एक मतलब एक बटा एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दे तो यह एक बटा दो हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। अब ये हमारे पास विलोपन विधि का क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 में, तो ये विलोपन विधि से हल करना है कुछ इस तरह से कि पहले इसको बीजीय समीकरण के रूप में व्यक्त करें और फिर विलोपन विधि से इसको हल करें। तो देखते हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश उसको हम क्या मान लेते हैं x, और इसी तरह से भिन्न का हर उसको हम मान लेते हैं y। तो हमारे पास भिन्न हो जाएगी x बटे में y। तो भिन्न निकालने हमें, तो भिन्न निकालने के लिए x और y का मान हमें हमारे पास होना चाहिए। अब प्रश्नानुसार अब वो कह रहे हैं कि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, भिन्न हमारी x बटे y थी। अगर हम अंश में एक जोड़ दे, तो अंश में एक जोड़ दिया और हर में से एक घटा दे तो भिन्न क्या हो जाती है, एक। तो एक का मतलब एक बटा एक लिख लेते हैं इसको और r पार गुणा कर देते हैं। तब r पार गुणा करेंगे तो हमारे पास आर पार गुणा करने पर यहां से एक्स प्लस एक बराबर है वाई माइनस एक, एक से करेंगे तो वही आ जाएगा। तो इसको हम इधर ले आए, एक्स माइनस वाई हो गया और ये माइनस वन, ये प्लस का वन इधर आके माइनस का वन, तो एक्स माइनस वाई बराबर है माइनस टू, समीकरण एक बन गया हमारे पास। इसी तरह से दोबारा प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब की बार कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह एक बटा दो हो जाती है। हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना, भिन्न हमारी एक्स बटे वाई थी तो अंश में कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ना है, तो यह कितनी हो जाती है, एक बटा दो। फिर हमने क्या कर दिया, आर पार गुणा कर दी, तो ये हो जाएगा दो एक्स बराबर है, दो एक्स बराबर है यहाँ पे y जमा एक, तो y इधर आ जाएगा दो एक्स माइनस वाई बराबर है एक। तो ये समीकरण दो हो गया। अब हमें समीकरण एक और समीकरण दो को हल करना है, तो इस समीकरण दो के नीचे हम समीकरण एक भी लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर है माइनस दो, ये हमारा समीकरण एक है। अब देखो हमें क्या करना है, जो गुणांक है वो बराबर बनाने हैं, चाहे x के बना ले चाहे y के बना ले। तो अब देखो यहां दो है, यहां एक है, ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों बिल्कुल, ये भी माइनस वाई है और ये भी माइनस वाई है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जब हम घटा देते हैं बस, क्योंकि दोनों सेम है तो घटाएंगे, अगर दोनों अलग अलग है तो फिर जोड़ देंगे, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यानी कि ये भी माइनस एक है और ये भी माइनस एक है, दोनों माइनस के है, तो हम इसको इनके साइन चेंज कर रहे हैं, यानी कि इनको घटा दिया हमने, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया, तो दो एक्स और माइनस एक्स, तो एक्स रह गया, ये माइनस का वाई और ये प्लस का वाई कट गया, ये प्लस का एक और ये प्लस का दो हो गए, तो प्लस के तीन हो गए, तो ये हमारे पास एक्स का मान है। अब क्या लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण, कोई सा भी समीकरण में रख दो, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर एक्स का मान समीकरण एक में रख दिया, समीकरण एक है हमारे पास, एक्स माइनस वाई बराबर है माइनस दो, एक्स का मान आया तीन, तीन माइनस वाई बराबर है माइनस दो, तो माइनस वाई बराबर है माइनस दो और ये माइनस तीन हो जाएगा इधर आके, माइनस वाई बराबर है माइनस पांच, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, पांच, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आ गया हमारे पास तीन और वाई आ गया पांच, तो भिन्न होगी हमारे पास, एक्स बटा वाई थी ना, तो यानी कि तीन बटे पांच आंसर आ गया। अच्छा चेक करते हैं भाई, उसने कहा था एक कंडीशन थी, अगर हम अंश में एक जोड़ दें, हमारे पास आंसर है तीन बटा पांच, अगर हम अंश में एक जोड़ दे
और हर में से एक घटा दे, इसमें एक जोड़ेंगे प्लस का एक करेंगे तो ये चार हो जाएगा, इसमें से एक करेंगे माइनस करेंगे घटाएंगे तो ये भी चार हो जाएगा, तो चार बटा चार करके कितना आ जाएगा एक, तो भिन्न एक हो जाती है। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दोबारा करना चाहिए, और यदि हर में एक एक जोड़ते तो एक बटा दो हो जाता है। अंश में कुछ नहीं करना, सिर्फ हर में एक जोड़ना है। तो ये तीन तो ऐसे ही रहेगा, पांच और एक छह तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक बटा दो। तो ये भी बात सही है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको जो स्टेटमेंट है वो ठीक ढंग से समझनी है। ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुना थी, यानी कि हमारे पास एक तो नूरी है और एक सोनू है, सोनू। तो यहां कहा गया है कि पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, यानी कि यहां पे जो बात हो रही है पांच वर्ष पूर्व की बात हो रही है। कौन थी ये तीन गुना थी। आगे बढ़ते हैं, दस वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुना हो जाएगी, और आगे फिर बात हो रही है दस वर्ष बाद की। दस वर्ष बाद जो नूरी की आयु है वो दो गुना रह जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो बिल्कुल पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु ये मान ली x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु यह है y वर्ष। अब बात देख लो कितने कितने, पांच वर्ष पूर्व की बात हो रही है और दस वर्ष बाद की बात हो रही है। तो पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, पांच साल कम होगी वो, पांच साल पहले, पूर्व मतलब पहले, तो इसमें से पांच माइनस कर देते हैं, एक्स माइनस पांच वर्ष। इसी तरह से पांच वर्ष पूर्व सोनू की आयु ये कितनी होगी, वाई माइनस पांच वर्ष, ये भी बिल्कुल सीधा ही है, पांच वर्ष पूर्व का तो हो गया। अब दस वर्ष बाद की बात है, तो लिखेंगे दस वर्ष बाद नूरी की आयु, दस वर्ष बाद नूरी की आयु, दस साल के बाद दस साल और ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि एक्स प्लस दस वर्ष और दस वर्ष बाद सोनू की आयु ये कितनी हो जाएगी, वाई प्लस दस वर्ष, ये मिल गया अभी हमें। अब इसको यूज कर लिया प्रश्नानुसार, पहले भी दो तीन क्वेश्चन हम इस तरह के कर चुके हैं। अब वो कह रहा है कि पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुना थी, तो पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी, x माइनस पांच, और सोनू की आयु कितनी थी, y माइनस पांच। कौन ज्यादा थी, नूरी की आयु इसकी तीन गुना थी, यानी कि ज्यादा थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुना थी, यानी कि ये इसका तीन गुना है, तो यानी कि अगर हम इसको तीन से गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां पे x माइनस पांच बराबर है 3y-15 है, 3y और 3 × 15 है, ये इधर आ जाएगा x माइनस 3y माइनस के 15 और प्लस के 5 हो जाएंगे, ये प्लस के 5, तो x माइनस 3y बराबर है -10। तो ये समीकरण एक बन गया। इसी तरह से दोबारा प्रश्न के अनुसार 10 वर्ष बाद
दस वर्ष बाद नूरी की आयु है एक्स जमा दस और सोनू की आयु है वाई जमा दस, तो नूरी की आयु दो गुना रह जाएगी यानी कि ये दुगनी है इसकी, तो इसको दो से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर। अब यहां से देखो एक्स जमा दस बराबर है दो वाई जमा बीस, दो वाई और दस दुनी बीस, तो एक्स माइनस दो वाई बराबर है बीस और ये दस इधर आके माइनस का दस, तो एक्स माइनस दो वाई बराबर है बीस माइनस दस कितना रह जाएगा दस। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण दो। तो अब हमें समीकरण एक और समीकरण दो को हल करना है, समीकरण एक और समीकरण दो को हमें हल करना है, तो बड़े आसानी से हम इसको हल कर देंगे। तो इसको भी लिख दे इसके नीचे एक्स माइनस तीन वाई बराबर है माइनस दस, समीकरण एक लिख दिया। अब देखो ये तो बने ही पड़े हैं बराबर, यहां पे भी एक्स है यहां पे भी एक्स है, दोनों के निशाने कैसे हैं तो माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया ये भी प्लस का हो गया, तो ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स है ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस के दो वाई और प्लस के तीन वाई, तो वाई रह गया एक, ये प्लस के दस और ये भी प्लस के दस, तो बीस हो गया, तो यहां पे आ गया बीस। अब हम क्या करते हैं वाई का मान रख देते हैं, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, मर्जी आपकी एक में रख दो दो में रख दो जिसमें मर्जी रख दो, समीकरण एक है हमारा एक्स माइनस तीन वाई बराबर है माइनस दस, तो एक्स माइनस तीन गुना बीस बराबर है माइनस दस, एक्स माइनस साठ बराबर है माइनस दस, एक्स बराबर है माइनस दस और प्लस साठ, तो एक्स बराबर है पचास, तो एक्स का मान आ गया पचास हमारे पास और वाई का मान आ गया बीस, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि नूरी की वर्तमान आयु ये आ गई पचास वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु ये आ गई बीस वर्ष, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, उसने कहा था कि पांच साल पहले तीन गुना थी, पांच साल पहले ये पैंतालीस और ये पंद्रह, तो तीन गुना है पंद्रह दिया पैंतालीस, और उसके बाद कह रहा है दस साल के बाद दो गुना, दस साल के बाद ये साठ और ये तीस, तीस दूनी साठ तो दो गुना है, बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों देखते हैं पार्ट थर्ड, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग नौ है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग नौ है, इस संख्या का नौ गुना, इस संख्या का नौ गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो संख्या मान लो, देखो संख्या हमारे पास 36 है, हमारे पास मान लिया हमने संख्या 36 है। अब देखो इसमें ये जो 6 है वो इकाई का अंक है और जो 3 है वो दहाई का अंक है। अब 36 कैसे बना होगा, 36 बना होगा तीन गुना, तीन दहाई है ना तो दस प्लस छह इकाई, इकाई मतलब एक, एक से गुना कर लो या ना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इस तरह से बने। मान लो 42 है तो कैसे बना होगा, चार गुना दस जमा दो। तो ये बात एक बात आपको समझनी है। तो हम क्या करते हैं इसके हल के लिए, हम लिखते हैं माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने एक्स मान लिया और दहाई का अंक, दहाई का अंक हमने क्या मान लिया वाई, तो संख्या क्या बनी, संख्या क्या बनेगी, देखो इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 6 है 6, दहाई का अंक कितना है 3 है, तो संख्या कैसे बनी, दहाई के अंक की 10 के साथ गुना प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 है दहाई का अंक 4 है
तो संख्या कैसे बनी, दहाई के अंक की 10 के साथ गुना प्लस इकाई का अंक। तो यहां पे संख्या कैसे बनेगी, दहाई के अंक की 10 के साथ गुना 10y प्लस उसमें इकाई का अंक प्लस कर देंगे, तो ये संख्या ये बनी हमारे पास। पहले बच्चों ये समझना है बस आपको, सबसे इंपॉर्टेंट तो अब ये इसके बेस पे है। मान लो 47 है, तो 47 कैसे बना होगा, 4 गुना में दहाई, दहाई पे कौन है 4 है, दहाई का अंक 4 है, तो 4 गुना में 10, दहाई का मतलब 10 प्लस साथ में इकाई। अब देखो भाई, तो लिखा दहाई का अंक गुना में 10, या देखो दहाई का अंक और गुना में 10 प्लस इकाई का अंक, तो आपको इस तरह से लिखना है, ये दहाई की 10 के साथ, दहाई का मतलब 10, तो दहाई का अंक है उसकी 10 के साथ गुना होगी, इकाई का अंक है उसकी 1 के साथ गुना होगी, तो 1 के साथ गुना करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर सैकड़े का अंक होता तो उसकी 100 के साथ गुना होती। इस तरह से हमारे पास संख्या बनती है। अब आगे उसने कहा है कि इसके जब अंक पलट देते हैं, तो यानी कि इकाई का अंक दहाई का हो जाए और दहाई का अंक इकाई का हो जाए, तो संख्या क्या बन जाएगी, अंक पलटने पर परापद संख्या, हमें क्या संख्या मिलेगी, ये उल्टे हो जाएंगे, एक्स की जगह वाई चला जाएगा, वाई की जगह पे एक्स चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x जमा वाई, एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स आ गया। अब प्रश्नानुसार हमारे पास दो कंडीशन है, उसके लिए हम सोल्व करेंगे। एक तो है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक क्या क्या है, इकाई का अंक एक्स है और दहाई का अंक वाई है, तो दो ही अंक है एक्स और वाई, तो दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 9, एक्स जमा वाई बराबर है 9, एक समीकरण तो बन गया। अब आगे पढ़ते हैं, इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है 10y जमा एक्स, इसका 9 गुना, 9 से गुना कर दिया, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का अंक पलटने से क्या बना 10x जमा वाई, उसका 2 गुना है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब यहां से सोल्व करेंगे हम इसको, तो ये हो गया 90y, 9 से गुना कर दी प्लस 9x, यहां पे हो गया 20x और यहां पे प्लस के 2y, ये आ गया हमारे पास। देखो हम पहले x लिखते हैं ना फिर y लिखते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख लें, या तो ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, यानी कि 20x जमा 2y बराबर है 90y जमा 9x, एक्स वाई के बराबर है तो वाई भी तो एक्स के बराबर है, ए बी के बराबर है तो बी भी, इसको इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, क्योंकि अगर हम लिखे कि ए बराबर बी तो इसको हम बी बराबर ए भी तो लिख सकते हैं ना, तो दोनों बराबर तो है ही है, क्योंकि हम एक्स को पहले लाना चाहते हैं, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया इसको। अब सारे काम को इधर ले आओ, तो ये हो गया 20x प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x बराबर है 0, तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं, अचर राशि कॉन्स्टेंट तो कुछ है ही नहीं है बिना एक्स वाई का। अब यहां से 20x माइनस 9x कितने रह गए 11x, प्लस के 2y और माइनस के हमारे पास 90y, तो माइनस के 88y, ये आ गया। अब देखो ये 11 से भाग हो जाएगा, तो 11 से भाग करने पर, 11 से भाग कर दिया, तो 11 से भाग किया तो यहां तो x रह गया, 11 88 8 रह गया और साथ में y बराबर है 0, तो फिर भी 0 ही रहेगा, ये समीकरण 2 हो गया हमारे पास। इसके नीचे लिख दिया समीकरण 1, एक्स प्लस वाई बराबर है 9, ये हमारा समीकरण 1 है, तो ये तो बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएंगे, एक जैसे है तो निशान बदल दो, ये माइनस का ये प्लस का और ये माइनस का, सॉरी ये प्लस का तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो गया, तो ये इसके साथ कट गया, माइनस के 8y और माइनस का y, यानी कि माइनस के 9y और ये भी माइनस के 9, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर है 9 बटे में 9, तो y का मान आ गया 1। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर है 9,
वाई का मान एक है तो एक्स प्लस एक बराबर है नौ, एक्स बराबर है नौ माइनस एक तो एक्स बराबर है आठ, तो एक्स का मान आ गया आठ और वाई का मान आ गया एक, तो संख्या क्या बनेगी? संख्या देखो हमारी क्या थी, दस वाई जमा एक्स, यानी कि दस गुना में एक जमा वाई का मान एक और एक्स का मान आठ, तो ये दस प्लस आठ यानी कि अठारह, तो संख्या हमारे पास आ गई अठारह, ये आंसर आया। अब देखो वैसे भी हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक पता चल गया, इकाई का अंक कितना है आठ और दहाई का अंक कितना है एक, तो सीधा लिख सकते हो संख्या, इकाई के अंक पे इकाई का अंक रखो, दहाई के अंक पे दहाई का रखो, सीधा ही आंसर आ जाएगा, तभी अठारह ही बनेगा। अभी हमारा आंसर आया, जांच करते हैं। उसने कहा कि संख्या के अंकों का जोड़ कितना है, संख्या के अंकों का जोड़ नौ होना चाहिए, आठ और एक नौ हो जाए, ठीक है बिल्कुल। अब इस संख्या का नौ गुना, इस संख्या का नौ गुना, अठारह का नौ गुना, ये कितने हो जाएंगे, अठारह निम्बे एक सौ बासठ, और इसके अंक पलटने पर, इसके अंक पलटने तो अठारह का क्या बन जाएगा इक्यासी, और इसका दो गुना आपस में बराबर है दो और ये एक सौ बासठ, ठीक है तो दोनों बराबर आए, यानी कि हमने अपने आंसर की जांच भी कर ली है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पार्ट थ्री, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि संख्या कैसे बनती है। मान लो कोई भी संख्या है, मान लो ये 365 है तो ये कैसे बना होगा, तीन सैकड़े का अंक है तो इसको सौ से गुना करके, प्लस ये दहाई का अंक है तो इसको दस से गुना करके, प्लस ये इकाई का अंक है तो इसको एक से गुना करो, इकाई का मतलब एक, एक से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस ये 60 और प्लस 5 360 और 365, तो इस तरह से बनता है ये, तो ये प्लेस वैल्यू का यही मीनिंग होता है। तो इस तरह से आप इसको एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, बेहद इंटरेस्टिंग पार्ट है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और आपके बिल्कुल दैनिक जीवन से रिलेटेड ही एक समस्या है जिसको हम बीजगणितीय रूप में लिखेंगे, फिर उसका हल फाइंड करेंगे कि क्या उसका आंसर होगा। स्टेटमेंट है हमारे पास, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, निकालने के लिए निकलवाने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, तो उसने कहा कि खजांची को बोला, कैशियर को बोला कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दे दे, कुल कितने रुपए निकलवाने हैं उसको 2000 रुपए। अब मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, खजांची ने क्या किया उसको 25 नोट पकड़ा दिए कि ले ये 2000 रुपए है पूरे, तो उसमें कुछ 50 रुपए के नोट है और कुछ 100 रुपए के नोट है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो 50 रुपए के कितने हैं और 100 रुपए के कितने हैं कि उनका सभी का जोड़ कितना बने 2000 रुपए बने, क्योंकि निकलवाए थे उसने 2000 रुपए हैं, तो हमें यह बताना कि 50 रुपए के कितने हैं उसमें और 100 रुपए के कितने हैं। अब देखो यहां पे हमने क्या मान लिया कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स मान ली और इसी तरह से 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई मान ली, यही तो करते हैं हम, जिसका हमें मान निकालना है वो हम मान लेते हैं। अब देखो प्रश्नानुसार, अब यहां पे हमारे पास दो कंडीशन है, खजांची ने क्या किया उसको 25 नोट दे दिए, 25 नोट दे दिए किसके हैं वो 50 के और 100 रुपए के, 50 रुपए के एक्स है 100 रुपए के वाई है, तो इसका मतलब एक्स और वाई को अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये 25 बनेंगे टोटल नोट, तो एक समीकरण तो हमारे पास बन गया। इसी तरह से दूसरा लिख सकते हैं आप कि दोबारा या इसी प्रकार प्रश्न अनुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा, अब ये जो नोट है जो 25 नोट है इनका कुल जोड़ कितना बनना चाहिए 2000 बनना चाहिए, इनका कुल जो जोड़ है वो कितना बनना चाहिए 2000। मान लो उसको 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं और 100 रुपए के 12 नोट मिले हैं या 15 नोट मिले हैं, तो 50 रुपए के अगर 10 नोट मिले हैं तो उसको कुल कितने रुपए मिले 500 रुपए, और 100 रुपए के अगर उसको 15 नोट मिले 100 रुपए तो उसको 15 नोट मिले तो कितने मिल गए उसको 1500 रुपए मिल गए,
तो जोड़ किया तो कितना आ गया 2000। ये चांस की बात है कि हमारा सीधा आंसर ही आ गया, तो 2000 ही होना चाहिए ना, तो ये चांस की बात है। मान लो उसको 50 रुपए के 7 नोट मिले और 100 रुपए के 18 नोट मिले, तो देखिए कितने बनेंगे। 50 रुपए के 7 यानी के 350 रुपए मिल गए और 100 रुपए के 18 नोट यानी के 1800 रुपए मिल गए, यानी कि टोटल यहां पे कितना हो गया 2150 रुपए। लेकिन टोटल कितना बनना चाहिए 2000 बनना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसको आगे दूसरा देखना है। अब देखो 50 रुपए के उसको कितने नोट मिले x, 50 रुपए के 7 नोट मिले हैं तो कुल कितने रुपए मिल गए, दोनों की गुना कर देंगे। अब 50 रुपए के अगर x नोट मिले हैं तो 50 रुपए के 50 रुपए के x नोट से कुल कितने रुपए बने, तो 50x, दोनों की गुना होगी। 100 रुपए के y नोट मिले हैं तो कितने रुपए मिल गए, 100 के नोट वाले कितने रुपए बन गए, दोनों की गुना कर देंगे। अब ये दोनों जोड़ के कितना आ जाना चाहिए, किसके बराबर आ जाना चाहिए 2000 के बराबर आ जाना चाहिए। तो यही हमने यहां पे ये किया है। अब देखो आप इसको छोटा कर ले, ये समीकरण 2 है, इसको ये पूरा का पूरा किसी संख्या से भाग हो सकता है, 50 से भाग हो सकता है, रियली देखते हैं। 50 से भाग करने पर, 50 से भाग करने पर, 50 से इसको भाग कर दिया, 50 एक 50 एक्स आ गया, 50 दो 100 2 आ गया, यानी कि 2 भाई 5 चौके 20 यानी कि 50 चौके 200 ये 40 आ गया। तो ये हमारे पास समीकरण 2 बन गया। अब देखो हम समीकरण 1 और 2 को लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर है 25 और एक्स प्लस 2 वाई बराबर है 40। अब देखो एक्स तो बराबर है पहले, तो जस्ट हमें निशान बदलने, तो ये इसके साथ कट गया, प्लस का वाई और माइनस के 2 वाई, तो माइनस का वाई आ गया, प्लस के 25 और माइनस के 40, तो माइनस के 15 आ गए, तो वाई का मान आ गया हमारे पास 15। अब क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर है 25, तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर है 25, तो x बराबर है 25 माइनस 15, तो x बराबर है 10। तो इसका मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के जो नोट है उनकी संख्या कितनी हुई x यानी कि 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या ये कितनी है y यानी कि 15 है। अब आंसर को जांच करना है तो फिर उसी तरह से जांच कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो x जो 50 रुपए और 100 रुपए के नोट है वो टोटल 25 है, 10 और 15 25 हो गए, और टोटल रुपए 2000 है। अब देखो 50 रुपए के 10 है तो 500 बन जाएंगे, 50 की 10 के साथ करेंगे, और 100 रुपए के 15 है तो 1500 बन जाएंगे, तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये 2000 पूरे हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है, हमने अपने आंसर की जांच भी कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारे पास। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, कि पहले 3 दिन का जो किराया है वो तो फिक्स है, चाहे आप एक दिन के लिए लेके जाए पुस्तक, या एक घंटे के लिए लेके जाए, या 2 दिन के लिए लेके जाए, या 3 दिन के लिए लेके जाए, किराया तो 3 दिन का ही लगेगा। अब आगे बता रहे कि तथा इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, 3 दिन के बाद हर एक दिन का अलग किराया है। मान लो 4 दिन का, 4 दिन लेके गया कोई पुस्तक को, 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का तो लगना ही है, चौथे दिन का प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। मान लो कोई 7 दिन के लिए लेके गया तो पहले 3 दिन का तो फिक्स है, बाकी 4 दिनों का उसका प्रत्येक दिन का जो किराया है उसके हिसाब से 4 दिन का लग जाएगा। अब उसमें बताया गया है कि सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा कर, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया
ज्ञात कीजिए। तो ये प्यारे बच्चों वैसा ही क्वेश्चन होगा जिस तरह से टैक्सी का कुछ नियत किराया था और प्रति किलोमीटर का किराया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब देखो हमें क्या करना है कि नियत किराया निकालना है और प्रतिदिन का क्या किराया लग रहा है वो निकालना है। तो इसका हल देखते हैं। माना नियत किराया लिख लो या फिर नियत किराया किसका है, पहले तीन दिन का, तो यहां लिख लेते हैं माना पहले तीन दिन का नियत किराया, ये मान लेते हैं हम एक्स रुपए, और इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये हम मान लेते हैं वाई रुपए, यानी कि तीन दिन के बाद जितने भी दिन हैं उनका एक दिन का किराया वाई रुपए है। अगर तीन दिन के बाद तीन दिन छह दिन रखिए तो तीन दिन का किराया तो एक्स रुपए हो गया। देखो मान लो उसने छह दिन रखी तो तीन दिन के नाम के तो उसके कितने रुपए लगे, एक्स, क्योंकि तीन दिन का भी फिक्स है। चौथे दिन के नाम का वाई, पांचवे दिन का नाम का भी वाई, क्योंकि एक दिन का किराया वाई लगेगा बाकीगा। छठे दिन के नाम का भी वाई, यानी कि ये एक्स जमा तीन वाई हो गए, वाई वाई और वाई, या इसको सीधा ही कह लो तीन दिन का तो एक्स लग रहा है, एक दिन का वाई है, तीन दिन तो हो गए, तीन दिन तो और जो बच गए तो उसका तीन वाई हो गया, तो एक्स प्लस तीन वाई हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से बन जाएगा काम भी हमारे पास। अब देखते हैं प्रश्न अनुसार, बस आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाती है फिर कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अब देखो क्या कहा है कि सरिता ने सात दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए सत्ताईस रुपए अदा किए। सात दिन है, सात दिन में तीन दिन के नाम के तो कितने रुपए लगेंगे, तीन दिन के नाम के तीन एक्स मत कर देना, तीन दिन के तो नाम के एक्स रुपए ही लगेंगे। तीन दिन के जो बाद चार दिन बचे हैं, अब उन चार दिनों के लिए एक दिन का वाई रुपए है, तो चार दिन के लिए कितना हो जाएगा चार वाई, तो टोटल कितना हो गया एक्स प्लस चार वाई, कितने बन गए हमारे पास सत्ताईस रुपए। ये समीकरण एक हो गया। दोबारा से समझते हैं, सात दिन के रहे ना उसके, सात दिनों के सत्ताईस रुपए थे, अब देखो तीन दिन के तो ये रहे, तीन दिन का तो फिक्स है इतने रुपए लगने ही लगने हैं, कितने दिन के रह गए चार दिन के, एक दिन के वाई रुपए है तो चार दिन के कितने हो जाएंगे चार वाई रुपए। ठीक इसी तरह से दूसरा जो दोबारा प्रश्न अनुसार, दोबारा प्रश्न अनुसार यहां पे हमारे पास क्या है, सुशी ने एक पुस्तक पांच दिनों तक रखने के लिए इक्कीस रुपए अदा किए, पांच दिन, अब उसके पांच दिन थे, तीन दिन के लिए तो फिक्स रहेगा और दो दो दिन के लिए अलग देगी, तो तीन दिन के लिए तो एक्स रुपए लगे और दो दिन के लिए दो वाई हो गए, ये इक्कीस रुपए बन गई, ये समीकरण दो हो गया हमारे पास। अब हमें इन दोनों समीकरण को हल करना है, तो हम लिख लेते हैं एक्स प्लस चार वाई बराबर है सत्ताईस और एक्स प्लस दो वाई बराबर है इक्कीस, तो बिल्कुल आसान एक जैसे है, माइनस कर देते हैं माइनस माइनस और माइनस, ये इसके साथ कट गया, चार वाई माइनस दो वाई, दो वाई रह गए और सत्ताईस माइनस इक्कीस छह रह गए, तो वाई का मान आ गया छह बटे दो, दो एकम दो, दो तीन छह तो तीन आ गया, तो वाई का मान आ गया तीन, तो क्या करेंगे वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख दिया, समीकरण एक है हमारा x प्लस चार वाई बराबर है सत्ताईस, तो x प्लस चार गुना वाई का मान है तीन बराबर है सत्ताईस, तो x प्लस बारह बराबर है सत्ताईस, चार तीन बारह, तो x बराबर है सत्ताईस माइनस बारह, तो x बराबर है सत्ताईस में से बारह चले पंद्रह रह गए, तो x का मान आ गया पंद्रह और y का मान आ गया हमारे पास तीन, तो ये हमारा x आंसर हो गया, यानी कि नियत किराया कितना हो गया, नियत किराया एक्स माना था पंद्रह रुपए और जो दूसरा है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ये कितना है वाई, यानी कि तीन रुपए प्रतिदिन, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं, फिक्स किराया पंद्रह रुपए,
ये 15 रुपए कितने दिन का हुआ, 3 दिन का। तो 3 दिन के तो नाम के लग गए 15 रुपए, 3 दिन के तो नाम के लग गए 15 रुपए। और उसने पुस्तक कितने दिन के लिए थे, 7 दिन के लिए, कितने रह गए, 4 दिन। और अब एक दिन के कितने रुपए लग रहे हैं, 4 दिनों के लिए 3 रुपए। तो 4 दिनों के नाम के 4 किए 12 रुपए लगेंगे, तो 15 और 12 कितना हो गया, 27 हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण को आप चेक कर सकते हो, तो एक से भी काम चल जाता है हमारे पास। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, और ये एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट भी था। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हमने विलोपन विधि से जो बीजीय समीकरणों को, या फिर हम कहें कि रैखिक समीकरण युग्म को हल किया। पहले रैखिक समीकरण युग्म भी बनाए दूसरे क्वेश्चन में, और फिर उनको हल भी किया। तो अभी तक हमने देखो 3 विधियां की है, ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि विलोपन विधि कितनी इंटरेस्टिंग है और कितनी ईजी है बाकी 2 विधि के बिना। तो यहां से अगर आपसे किसी विधि के बिना कोई क्वेश्चन करने के लिए कहा जाता है, तो आपकी प्रेफरेंस विलोपन विधि ही होनी चाहिए। तो इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।